देख सकते हैं वो एलपीजी गैस किस प्रकार से निकल रही है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एक्सपेरिमेंट वैली। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आज किचन में उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर को लेकर। आप देख सकते हैं किचन में उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर है जो हमारे घरों के किचन में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इस सिलेंडर में जो गैस जो भरी होती है, इस गैस को क्या हम इस ग्लास के अंदर निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स, आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन बात सही है। फ्रेंड्स, हम इस गैस की सिलेंडर से में जो भरे हुए गैस हैं, इस गैस को हम इस ग्लास में आज निकालेंगे और देखेंगे इसमें इस टंकी के अंदर जो गैस होती है क्या एक ग्लास के अंदर निकल पाएगी। फ्रेंड्स, हम अपने आम जीवन शैली में व्यस्त होते हैं जिसके कारण हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम हाजिर हैं। आपकी कोई भी क्वायरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसे कर हम दिखाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जानना, समझना और उसे देखना बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है। फ्रेंड्स, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हैं बिल्कुल पब्लिक एरिया में, बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी के आसपास हैं। फ्रेंड्स, तो हम इतने बड़े सिलेंडर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हमें आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो के बीच आते रहना है। तो फ्रेंड्स, हम इसके लिए लाए हैं इस प्रकार के छोटे केन का। फ्रेंड्स, इसमें भी एलपीजी गैस ही है, बिल्कुल यही गैस है फ्रेंड्स जो इस बड़े सिलेंडर के अंदर है। जो गैस इस सिलेंडर के अंदर है फ्रेंड्स, एलपीजी गैस, बिल्कुल वही गैस इसके अंदर भी होती है। ब्यूटेन गैस इसके अंदर भी है फ्रेंड्स। ये जो पोर्टेबल जो एक केन होते हैं, इसमें अप्रॉक्स 250 ml गैस होते हैं फ्रेंड्स। जो पोर्टेबल स्टोव होते हैं, जो पोर्टेबल गैस होते हैं, कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो उसमें यूज करने के लिए इस केन का यूज किया जाता है, या कहीं वेल्डिंग वगैरह में यूज करने के लिए इस केन का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम गैस है जो इस सिलेंडर के अंदर है फ्रेंड। तो इस सिलेंडर की जगह हम इस छोटे से केन का यूज करेंगे और इसे ग्लास या बॉटल के अंदर निकाल कर देखेंगे ये किस प्रकार से दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये इसका रेगुलेटर है, जिस प्रकार से बड़े सिलेंडर का रेगुलेटर होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी प्रकार का इस केन का भी रेगुलेटर होता है। तो हम इस रेगुलेटर को निकालेंगे, तो हम इस रेगुलेटर को लगाएंगे और फिर इसे बॉटल या ग्लास के अंदर इसके गैस को निकाल कर देखेंगे। आप देख सकते हैं इस रेगुलेटर को हम इस गैस केन के अंदर लगा देते हैं, हमने इसे लगा दिया है। देख सकते हैं इसे हम इस प्रकार से खोलेंगे तो इससे गैस निकल रही है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं इस केन से गैस निकल रही है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे इस प्रकार से खड़ा कर किसी भी सिलेंडर को, चाहे हम बड़े सिलेंडर को या छोटे केन को, किसी भी सिलेंडर को हम इस प्रकार से खड़े कर निकालेंगे तो इससे बिल्कुल गैस निकलेगी फ्रेंड्स। जब हम इसी को उल्टा बिहेव करेंगे, इसे उलट कर निकालेंगे तो फ्रेंड्स इससे लिक्विड फॉर्म में निकलेगी, जो आपको निकाल कर दिखाते हैं। बॉटल पूरी तरह से खाली है, आप देख सकते हैं एक केन देख पा रहे हैं, केन में हमने रेगुलेटर को लगा दिया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इससे गैस निकलती है, तो इसे हम उलट कर इस बॉटल के अंदर इस गैस को लिक्विड फॉर्म में निकाल कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बॉटल पूरी तरह से खाली है। आप नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, बॉटल की जो नीचे का हिस्सा है पेंदी, इसमें आप देख सकते हैं वो एलपीजी गैस किस प्रकार से निकल रही है। आप देख सकते हैं कितना गैस निकल चुकी है फ्रेंड्स, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। चलिए इसे हम अब बंद करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके ढक्कन को हमने लगा दिया है क्योंकि ये तेज़ी से बिल्कुल उड़ने लगता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यही रहा एलपीजी गैस जो इस बड़े सिलेंडर के अंदर होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जो इस बड़े सिलेंडर के अंदर होता है, ये जो बड़ा सिलेंडर आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो होता है वही लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमने आपको निकाल कर दिखाया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस पर बर्फ सा जम गया है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड्स या नहीं होगा, इस लिक्विड पेट्रोलियम गैस का टेम्परेचर जब वातावरण में निकलती है फ्रेंड्स तो -50 डिग्री तक जाती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये रहा लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो बिल्कुल हमने लिक्विड फॉर्म में इसे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रहा लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसे बॉटल या ग्लास के अंदर भी निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स इसे हम ग्लास के अंदर आपको निकाल कर दिखाते हैं और दिखाते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसमें ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। जब इसे हम खोलेंगे तो इससे किस प्रकार से गैस निकलेगी फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं इसमें एक उबाल सी आ जाती है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। इसे हम ग्लास के अंदर निकाल कर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये किस प्रकार से उड़ रहा है, देख सकते हैं। ये ज़्यादा समय तक ग्लास में नहीं रह पाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस प्रकार से उड़ रहा है। हम इसे साइड से दिखाते हैं, देख पा रहे हैं ये किस प्रकार से उड़ रहा है फ्रेंड्स। आपने देखा किस प्रकार का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है फ्रेंड्स, बॉटल के अंदर भी ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमने आपको बॉटल और ग्लास दोनों के अंदर निकाल कर दिखाया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमें भी ऐसा बिलीव नहीं होता था फ्रेंड्स कि इसे हम इस किसी बॉटल या ग्लास के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल आँखों के सामने देख सकते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो इस बड़े सिलेंडर में हम यूज करते हैं, इसे किसी बॉटल या ग्लास के अंदर भी निकाला जा सकता है फ्रेंड्स। इसे काफ़ी प्रेशर के साथ इस गैस के इस टंकी के अंदर भरा जाता है जिससे लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में गैस पूरी तरह से उड़ जाएगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने इसे एजुकेशन पर्पस के लिए सिर्फ आपको दिखाया है, इस प्रकार के आप ट्रायल अपने घर पे नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।